ओल्ड मलकपेट टीवी टावर मूसाराम बाग एक्स रोड पर पिलर नंबर 1497 पर वाक़े छवन पैरालिसिस मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहां पर लखवा व फालिस से मुतासरीन के लिए बेहतरीन और कामयाब इलाज फराहम किया जा रहा है। इस सेंटर के फाउंडर गणेश चौहान हैं, जो कि पिछले 37 सालों से अवाम की खिदमत करते चले आ रहे हैं। MD अभिषेक चौहान ने मीडिया के रूबरू बताया कि इनके सेंटर पर कदीम से कदीम पैरालिसिस का मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाता है, यहां तक कि ब्रेन हैमरेज जैसे मरीजों का भी इलाज किया जाता है। अभिषेक चौहान ने अवाम से अपील की है कि वो इब्तदाई तिब्बी इलाज किसी अच्छे से अच्छे अस्पताल में लेने के बाद जल्द से जल्द इनके सेंटर से रुजू हो, वरना जितना ज्यादा वक्त गुजरता जाएगा उतनी ही रिकवरी करने में ताखीर और खर्च भी बढ़ता ही चला जाएगा। यहां पर 65 साल खातून का भी कदीम पैरालिसिस का इलाज किया गया और 37 साल खातून को भी महज 10 दिन में कामयाब इलाज फराहम किया गया। मजीद तफसीलात के लिए या फिर अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए इन नंबरात पर राब्ता करें। नंबरात है 9949003282 या फिर 9550977790। मेरा नाम अभिषेक चौहान है, मैं चवन पैरालिसिस रिहैब सेंटर का MD बात कर रहा हूँ। ये रिहैब सेंटर के जो फाउंडर है मिस्टर गणेश चौहान जी है, इन्होंने ही फ्रॉम पास्ट 37 ईयर्स से पैरालिसिस के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत लोग हैं जिनको पैरालिसिस हुआ सो है और जिनके ब्रेन के नस के अंदर खून जम जाता, यानी कि ब्रेन इन्फ्रैक्शन, और जिसका दिमाग का नस जो है ना पंक्चर हो जाता, जो ब्लीड बोलते हैं उसे उसे ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप लोग हमारे पास जल्द से जल्द आते हैं, जो स्टार्टिंग का जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है वो आप कहीं पे भी ले सकते हैं, उसके बाद में जल्द से जल्द जितना जल्दी हमारे पास आएंगे उतना फास्ट हम लोग रिकवरी कर सकते हैं पेशेंट को। बहुत से केसेस है जो फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, आज सवेरे से देखो मुझे फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स के केसेस आ रहे सर, 5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। ऐसा लेट नहीं करके आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए, इधर उधर भटकिए मत। स्टार्टिंग का इमीडिएट ट्रीटमेंट जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है वो ले लीजिए। आप कौन से भी गांव में रहिए, इंडिया के थ्रू आउट इंडिया में आप कहीं पे भी रहिए, आप स्टार्टिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट एक हॉस्पिटल में करा लीजिए आप, लेकिन उसके बाद फौरन हमारे पास आइए। जितना जल्दी आप लोग हमारे पास आके हमारा मेडिसिन स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी कन्फर्म रिकवरी होगा आपको। दिमाग के नस के अंदर खून जम जाना या दिमाग का नस पंक्चर ब्लीड होना, तो कन्फर्म रिकवरी है। ये हॉस्पिटल जो है ना हैदराबाद के MGBS बस स्टैंड से सिर्फ 4 किलोमीटर के अंडर पे है, पिलर नंबर 1497 के बिल्कुल एडजेसेंट में रेड टेप शोरूम है, वो शोरूम के ऊपर 3rd फ्लोर पे है। ये हैदराबाद की है, हम लोग ही तैयार करते हैं ये मेडिसिन। तो जितना क्या बोलते हैं एक्यूट कंडीशंस को हम लोग लेना चाहते हैं। हम लोग बहुत से केसेस है जो क्रोनिक कंडीशंस में आते हैं, वैसे केसेस को हम लोग थोड़ा क्या है जल्दी आओ बोलते हैं, उनको क्या है एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। इमरजेंसी केसेस भी लेते हैं सर, इमरजेंसी केसेस को हम लोग सिर्फ इन्फ्रैक्शन केसेस को ले लेते हैं। हम लोग इमरजेंसी केसेस में इन्फ्रैक्शन अगर हुआ सो है, दिमाग के नस के अंदर खून जम गया सो है, वैसे केसेस को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। वही अगर ब्लीड हुआ सो है तो वैसे कंडीशन में क्या है डॉक्टरी ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। शायद अगर ज़्यादा ब्लीड हुआ तो है क्या बोलते हैं ICU केयर भी रहना ज़रूरी है उनको, अगर ब्लीड हुआ तो ऑपरेशन करना ज़रूरी है, ऐसे हम लोग नहीं लेते। इसीलिए हम लोग क्या है इमीडिएट जो ट्रीटमेंट डॉक्टरी ट्रीटमेंट है वो करा लो, आप लोग कहीं भी करा लो। मेरा मेडिसिन थ्रू आउट इंडिया जाता है, और रिसेंटली अभी एक केस है चेन्नई का केस है जो हम लोग हैंडल कर रहे थे। नाम अश्विनी है। इनको क्या हो गया था? वो हाथ पैर गिर गया था इनको। अच्छा, तो वहाँ से हम ऊपर में एडमिट करे KS हॉस्पिटल के, वहाँ पर एक 15-20 दिन थे हम, वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ वहाँ से घर पर आया बात में एक वीडियो देखे थे इस बार, वहाँ पर एडमिट करे चौहान खानी डॉक्टर चौहान पर, वहाँ पर एडमिट करा था 1 वीक 10 डेज में हाथ फ्री हो गया, अच्छी बाइक लेते थे हाथ भी फ्री हो गया, फिंगर भी नहीं आया था इनको, फिंगर भी अच्छा रहा, फिंगर कुछ भी नहीं आया था, और पैर भी अच्छा वो आलू उठ रहा चल रहा भी आलू, 15-14 डेज हुआ मेरे पॉपर जाके। ఏం హాస్పిటల్ ఉంది అమ్మా? చౌహాన్. ఏం బెటర్ ఉంది?
అక్కడ బాగున్నారా? ఏం హాస్పిటల్ నేమ్ ఉంది? హాస్పిటల్ ఏం ఏం పేరు హాస్పిటల్? డాక్టర్ ఉంది, చౌహాన్ అది. బెటర్ ఫీలింగ్ ఉంది, అంతకుముందు ఏం లేదు.